हाय गाइस, नमस्कार। न्यू मिल्किंग वीडियो, आज इसको नए जगह में बांधे हैं क्योंकि हमारी वो वाली गाय निकल चुकी है यहाँ से, तो ये नए जगह में जा करके काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और इधर उधर कर रही है। किस तरह से आज कर रहे देखिए, कभी छू है लाल, उधर वो पीने लगी। सफल के रहना सतर्क। इसका स्थान पहले उस बगल में था, इसके बगल में वे नए स्थान में आई, तो काफी जो है तो ये एग्रेसिव रहती है, लगाते समय दूध निकालते समय काफ़ी परेशान करती। देखिए किस तरह से खींची हुई है रस्सी को, ये देखिए यहाँ से ले जा करके वहाँ तक खींच करके लास्ट तक गई। खींच लो, अभी तो कुछ नहीं कर रही, संभाल के रहना। खा ली है सब खाना अपना, दूध को संभाले रहना। आज थोड़ा ठंडी कम है, कोहरा भी कम पड़ा हुआ है। इसको हम लोग सार को धो दिए थे तो पूरा एकदम क्लीन है। देखिए गरम गरम दूध की भाप कैसे निकल रही है ठंडी में, इतनी ठंडी है कि दूध से भी भाप निकल रही है कि नहीं। जिस तरह से पानी उबलता है धूप में, गर्मी में मतलब उबालने पर भाप बनते है, उस तरह से दूध से निकल रही है।
आज काफ़ी लेट हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं लगभग। लेट हो जाता है तो थन में दूध जब ज़्यादा आ जाता है तो लगवाने में दिक्कत करती है, दूध निकालने में। ये देखिए क्या हालत की हुई है, कैसे यहाँ से खींची हुई है और खींच करके लास्ट में वहाँ खड़ी हुई है। एक बार निकाल लीजिए, एक दूसरी बार का गड़ा उसको छोड़ दीजिएगा, वो भी इंतजार किया हुआ है। हाँ वो भी इंतजार किया हुआ है, अभी ये कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं खाता, बस दूध में रहता है। नहीं एक अभी जो हम बछिया लाए हैं उसको दिखाएंगे आपको, किस तरह से वो रोड में पड़ी थी और धक के खा रही थी, उसको भी हम लाए हैं, ठंड में कांप रही थी तो गाड़ी में लदवा करके उसको लाए हैं और उसको भी बांधे हुए हैं। हाँ कैसे कैसे लोग हैं कि दूध निकाल करके गाय का दूध खा करके और छोड़ देते हैं, गाय को भी छोड़ देते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं रोड में डंडा और लाठी खाने के लिए, जबकि ये बहुत गलत है। जो भी जानवर रखें उसको, उसकी सेवा करें, उसका दूध खाएं, उसको सुरक्षा भी दें। सिर्फ दूध का मोह न हो, गौ सेवा की भावना होनी चाहिए। एक तो रस्सी खींच लीजिए, एक रस्सी रस्सी। हाँ हाँ ये खुल गई, हो गया, बच्चे को ढील दीजिए, ये दूध निकल चुका है।